तन्वी आज अपने YouTube चैनल पर करवा रही हूँ प्रश्न बैंक कक्षा 12th के अंतर्गत ही राजनीति विज्ञान का कर रहे हैं आज हम बच्चों। इस वीडियो में मैं आपको करवा रही हूँ राजनीति विज्ञान में खंड अ का जो है आपके पास में पार्ट में पूरा करवा चुकी हूँ, आज मैं आपको करवा रही हूँ खंड ब में। दो दो नंबर के क्वेश्चन आए हैं जो खंड ब में पूरा ना करवा करके आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। एक से लेकर के 36 क्वेश्चन हैं, 35 से 36 क्वेश्चन, उनके सबके जवाब। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको समय समय पर मिल सकें और आपकी परीक्षा में सहायता कर सकें आपके लिए। आज हम कर रहे हैं प्रश्न बैंक राजनीति विज्ञान का खंड ब में। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है जो आपके पास में प्रश्न बैंक में खंड ब में वो है जॉन रॉल्स के न्याय संबंधी दो विचार कौन कौन से हैं। तो पहला है इसका पहले का उत्तर है जॉन रॉल्स संवैधानिक लोकतंत्र में न्याय के दो मौलिक नैतिक सिद्धांतों की प्रतिस्थापना करते हैं। पहला है अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक है, दूसरा है अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत। प्रश्न दूसरा, शक्ति की कोई दो विशेषताएँ लिखिए। शक्ति दूसरों के कार्यों व्यवहारों विचारों को प्रभावित करने की क्षमता है। शक्ति दमनात्मक होती है, शक्ति अप्रजातांत्रिक है, ये दोनों हैं शक्ति की विशेषताएं। प्रश्न तीसरा, शक्ति व बल में कोई दो अंतर लिखिए। शक्ति व बल में दो अंतर हैं, देखिए शक्ति प्रच्छन्न बल है यानी कि छुपा हुआ बल, जबकि बल प्रकट शक्ति है। शक्ति अप्रकट तत्व है जबकि बल प्रकट शक्ति है। वर्ग प्रभुत्व के सिद्धांत के अनुसार समाज कौन कौन से वर्गों में बंटा हुआ है। इसका उत्तर है, देखिए वर्ग प्रभुत्व सिद्धांत के अनुसार जो है समाज दो वर्गों में बटा हुआ है। आर्थिक आधार पर समाज दो विरोधी वर्गों में बटा हुआ है, आर्थिक रूप से ताकतवर यानी कि बुजुर्ग वर्ग जो शोषण करता है, जो शोषण करता है दूसरे वर्ग का वो होता है बुजुर्ग वर्ग। दूसरा है आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग जो है सर्वहारा वर्ग, इसको शोषित वर्ग भी बोलते हैं। अरस्तु का सुधारात्मक न्याय क्या है? अरस्तु का सुधारात्मक न्याय की परिभाषा देखिए बच्चों, जो नागरिकों के अधिकारों की को अन्य व्यक्तियों के द्वारा हनन की रोकथाम पर बल दे, जो नागरिकों के अधिकारों की अन्य व्यक्तियों के द्वारा हनन की रोकथाम पर बल देता है, अर्थात इसका उद्देश्य होता है मनुष्य के अधिकारों की रक्षा व्यवस्था राज्य द्वारा की जाए, ये है सुधारात्मक न्याय। प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? प्लेटो के अनुसार न्याय से तात्पर्य है प्रत्येक व्यक्ति को अपना निर्दिष्ट कार्य करना और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करना, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति अपना दिया गया कार्य ही करे, दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करे, वही प्लेटो का न्याय है। 7 नंबर क्वेश्चन, शक्ति के विविध रूपों के नाम लिखिए। शक्ति के 3 प्रमुख रूप हैं, राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और वैचारिक शक्ति। सत्ता पालन के आधार कौन कौन से हैं? सत्ता पालन के 4 आधार हैं, विश्वास, एकरूपता, लोकहित और दबाव। प्रश्न 9, करिश्माई सत्ता से क्या आशय है? करिश्माई सत्ता व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों एवं चमत्कार पर आधारित होती है, इसमें सत्ता का आधार भावनाएं होती हैं, इसमें जनता करिश्माई व्यक्ति के इशारे पर बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार रहती है। उदाहरण है करिश्माई सत्ता का हिटलर, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, नरेंद्र मोदी। वैधता प्राप्ति के साधन मतदान, जनमत, संचार के साधन, राष्ट्रवाद आदि वे साधन हैं जिससे कि वैधता को प्राप्त किया जा सकता है। वैचारिक शक्ति से आप क्या समझते हैं? वैचारिक शक्ति अर्थात विचारधारात्मक शक्ति, विचारधारा का अर्थ है, देखिए वैचारिक शक्ति का विचारधारा का अर्थ क्या है? विचारों का समूह जिसके आधार पर हमारे दृष्टिकोण का विकास होता है। यह लोगों को के सोचने समझने के ढंग को प्रभावित करती है। वैचारिक शक्ति होती है जो लोगों के सोचने समझने के ढंग को प्रभावित करती है। यह विचारधारा किसी शासन व्यवस्था को लोगों की दृष्टि में उचित ठहराती है, इसलिए उसे वैधता भी प्रदान करती है। आगे है आपके पास में क्वेश्चन 12 नंबर, अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं? अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं, यह है प्रश्न 12। इसका उत्तर देखते हैं हम, प्रश्न 12 का अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं? तो अवसर की समानता है, देखिए राज्य अपने समस्त नागरिकों को समुचित विकास के समस्त अवसर प्रदान करता है। राज्य जाति, धर्म, नस्ल, वर्ण, वर्ग, लिंग आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान करता है, वही कहलाती है अवसर की समानता। अब आता है प्रश्न 13, स्वतंत्रता के मार्ग की क्या क्या अड़चने यानी कि बाधाएं या रुकावटें हैं? ये क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के मार्ग की बाधाएं पूछी जाएं, रुकावटें पूछी जाएं, अड़चने पूछी जाएं, तो यही आंसर आएगा। सबसे पहला है आपके पास में गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता का अभाव 2 नंबर, 3 नंबर संसाधनों का अभाव, 4 नंबर अराजकता का वातावरण,
पांच नंबर राष्ट्र विरोधी तत्व या आतंकवाद, छह नंबर संविधान कानूनों के प्रति सम्मान का अभाव। यह है स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली बाधाएं। 14 नंबर क्वेश्चन है, देखिए बच्चों समानता के विविध रूप कौन कौन से हैं। समानता के विविध रूप या प्रकार हैं, आठ प्रकार हैं बच्चों। सबसे पहली आपके पास में प्राकृतिक समानता, दूसरी नागरिक समानता, तीसरी सामाजिक समानता, चौथी शिक्षा की समानता, पांच नंबर है आर्थिक समानता, छह नंबर है सांस्कृतिक समानता, सेवन नंबर है अवसर की समानता, आठ नंबर है राजनीतिक समानता। ये है आपके पास में समानता के आठ प्रकार या आठ रूप। अब आती है अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं, इसका क्वेश्चन पहले भी करवा रखा है, वही देखिए। डेविड ह्यूम के अनुसार न्याय की अवधारणा क्या है। आधुनिक युग में डेविड ह्यूम ने मत व्यक्त किया है कि न्याय का अर्थ नियमों की पालना मात्र है, क्योंकि ये नियम सर्वहित का आधार है, अतः सर्वहित या सार्वजनिक उपयोगिता को न्याय का एकमात्र स्रोत माना गया है। डेविड ह्यूम के अनुसार न्याय की अवधारणा क्या है, एक बार पुनः पढ़ रही हूँ, देखिए। आधुनिक युग में डेविड ह्यूम ने मत व्यक्त किया है कि न्याय का अर्थ है नियमों की पालना मात्र, यानी कि न्याय क्या है, आप नियमों की पालना करेंगे तो ही न्याय है, क्योंकि ये नियम सर्वहित का आधार होते हैं। जो नियम बनाए जाते हैं वो सभी के हित के लिए बनाए जाते हैं, अतः सर्वहित या सार्वजनिक उपयोगिता को न्याय का एकमात्र स्रोत माना है। किसने, डेविड ह्यूम ने। प्लेटो के अनुसार न्याय के क्या क्या रूप हैं। प्लेटो न्याय के दो रूप मानता है बच्चों, पहला है व्यक्तिगत न्याय और दूसरा है सामाजिक यानी कि राज्य से संबंधित न्याय। 18 नंबर क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं हम बच्चों, देखिए। स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ क्या है। तो स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ है, यह वह स्थिति है जिसमें कोई बंधन नहीं होता, व्यक्ति को मनमानी करने की छूट होती है। नकारात्मक अवधारणा मानती है प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। व्यक्तिवादक विचारक जेएस मिल कहते हैं, अंतःकरण, विचार, धर्म, प्रकाशन, व्यवसाय, दूसरों से संबंध बनाने के क्षेत्र में व्यक्ति को निर्बाध छोड़ देना चाहिए, यही है स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ। यानी कि जब स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध ना हो, कोई सीमा ना हो, वही स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ है। अब है आपके पास में अगला क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन, संवैधानिक स्वतंत्रता से क्या आशय है। तो इसका उत्तर है, देखिए बच्चों, संवैधानिक स्वतंत्रता यह नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त की जाती है। संविधान ऐसी स्वतंत्रताओं की रक्षा की गारंटी देता है जिससे शासन भी इसमें कटौती नहीं कर सकता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है बच्चों, अनुच्छेद 32 है जो संविधान के द्वारा, अनुच्छेद 32 है उसमें नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक समानता से क्या आशय है। राज्य के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के राज्य के कार्यों में भाग लेने की समानता हो, यही क्या कहलाती है, राजनीतिक समानता कहलाती है। सभी वयस्क नागरिक जो अन्य योग्यताएं पूर्ण करते हों को समान रूप से मताधिकार, निर्वाचन क्षेत्रों, अभ्यर्था ना देना, यानी कि वो निर्वाचन हेतु खड़े भी हो सकते हैं, सार्वजनिक पदों को प्राप्त करने का भी अधिकार हो। राजनीतिक समानता प्रजातंत्र की आधारशिला है, प्रजातंत्र की आधारशिला है राजनीतिक समानता। अब है आपके पास में 21 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा की समानता से क्या आशय है। इसका उत्तर देखिए, राज्य सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान शैक्षणिक अवसर उपलब्ध करवाता है। राज्य द्वारा समाज के कमजोर व पिछड़े वर्गों को विशेष सुविधाएं प्रदान करना समानता का हनन नहीं होता, यानी कि पिछड़े वर्गों को अगर विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं तो वो समानता का हनन नहीं होता, क्योंकि पिछड़े वर्ग, बैकवर्ड जो क्लासेज हैं उनको ऊपर लाना भी राज्य का ही कर्तव्य है। तो राज्य अगर सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के शैक्षणिक अवसर उपलब्ध करवाता है तो वो क्या है, शिक्षा की समानता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में 22 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बारे में पैट्रिक हेनरी का प्रसिद्ध कथन क्या है। इसका उत्तर, छोटा सा शॉर्ट सा क्वेश्चन है ये, स्वतंत्रता के बारे में पैट्रिक हेनरी के शब्दों ने कहा है, पैट्रिक हेनरी ने जो अपने शब्दों में स्पष्ट किया है स्वतंत्रता क्या है, वो ये है कि मुझे स्वतंत्रता दीजिए या मृत्यु, यानी कि उन्होंने जो स्वतंत्रता को मृत्यु से भी ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना है, ज़्यादा श्रेष्ठ माना है, वो ये कहते हैं या तो मुझे स्वतंत्रता दे दीजिए या फिर मुझे मृत्यु प्रदान कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं। कोई दो आवश्यक शर्तें लिखिए। ये देखिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति निरंतर जागरूकता, नागरिक की निडरता एवं साहस, समाज में लोकतांत्रिक भावनाओं का पनपना, प्रेस की स्वतंत्रता व निष्पक्ष जनमत, स्वतंत्र न्यायपालिका तथा संविधानवाद।
24 नंबर क्वेश्चन, समानता के लिए दो आधारभूत तत्व लिखिए। समानता के लिए दो आधारभूत तत्व हैं बच्चों, मानवीय गरिमा तथा अधिकारों को समान संरक्षण प्राप्त हो। समाज में किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, भाषा, वर्ण, वर्ग, लिंग, निवास स्थान, संपत्ति, राष्ट्रीयता आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। यही है समानता के दो आधारभूत तत्व। सांस्कृतिक समानता क्या है, इसका उत्तर देखिए। राज्य द्वारा अल्प व बहुसंख्यक वर्गों के साथ समानता का व्यवहार करना सांस्कृतिक समानता की श्रेणी में आता है। अल्प भी और बहु भी, जो भी जो अल्प बहुसंख्यक वर्ग हैं, चाहे बहुसंख्यक वर्ग हैं, सबकी संस्कृतियों का सम्मान करना, ये आता है सांस्कृतिक समानता की श्रेणी में। इन्हें अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति, सामाजिक परिवेश के संरक्षण के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, यही आती है सामाजिक समानता की श्रेणी में। तो हमारे अभी तक बच्चों हो चुके हैं 25 क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसके लिए आपको बेल आइकन दिया गया है, स्क्रीन पर दिए गए बेल आइकन को दबाना है। हम आगे करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है, देखिए बच्चों, मानवाधिकार घोषणा पत्र समानता के बारे में क्या कहता है, इसका उत्तर देखिए। मानव अधिकारों के घोषणा पत्र में कहा गया है कि मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा हुआ है और वह अपने अधिकारों की विषय में भी स्वतंत्र व समान रहते हैं। यही कहा गया है मानवाधिकार घोषणा पत्र में समानता के बारे में, कि वापस पुनः पढ़ रही हूँ। मानव अधिकारों के घोषणा पत्र में कहा गया है कि मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा हुआ है और वह अपने अधिकारों के विषय में भी स्वतंत्र व समान रहता है। 27 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, स्वतंत्रता के बारे में रूसो का प्रसिद्ध कथन क्या है। स्वतंत्रता के बारे में रूसो का प्रसिद्ध कथन है, प्राकृतिक स्वतंत्रता के संबंध में रूसो ने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा रहता है। सभी समझौतावादी विचारक इस स्वतंत्रता के समर्थक भी थे। प्रश्न 28, वैधता का आशय, दैवीय उत्पत्ति के स्थान पर लोगों की सहमति को किसने बताया। वैधता का आशय, देवी उत्पत्ति के स्थान पर लोगों की सहमति को किसने बताया। मध्यकाल में राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत को राज्य की वैधता का आधार माना गया। हॉब्स, लॉक और रूसो ने देवी उत्पत्ति के स्थान पर लोगों की सहमति को राज्य की वैधता का आधार बताया है। भारत की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। भारत की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य एक सुरक्षित और स्थिर क्षेत्रीय पर्यावरण की स्थापना करना है ताकि भारत का आर्थिक विकास अनवरत जारी रहे। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति में गुट निरपेक्षता को अपनाने का प्रमुख कारण क्या था। भारत किसी एक गुट से जुड़कर विश्व में तनाव की स्थिति उत्पन्न करने का पक्षधर नहीं था, इसलिए गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। भारत ने विदेश नीति में गुट निरपेक्षता को क्यों अपनाया, क्योंकि भारत किसी एक गुट से जुड़ करके विश्व में तनाव की स्थिति उत्पन्न करने के पक्ष में ही नहीं था, इसलिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। अब गुट निरपेक्षता का अर्थ बताना है, किसी भी गुट में शामिल न होते हुए अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करना गुट निरपेक्षता कहलाता है। इतना सा भी लिख सकते हैं, थोड़ा बड़ा और करेंगे आप तो ये देखिए, यह शक्ति गुटों से अलग रहने की सक्रिय विदेश नीति है। यह सकारात्मक नीति है, अर्थात जो उचित और न्याय संगत है उसकी सहायता और समर्थन करना, जो अनुचित और अन्यायपूर्ण है उसकी आलोचना एवं निंदा करना, यही गुट निरपेक्षता है। संक्षेप में, भारत के गुट निरपेक्षता की नीति सकारात्मक एवं सतत गतिशील है। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत की मौजूदा विदेश नीति किस नीति का अनुसरण कर रही है। तो इसका उत्तर देखिए बच्चों, भारत की मौजूदा विदेश नीति आतंकवाद के प्रति शून्य सहायता यानी कि जीरो टॉलरेंस की नीति का अनुसरण कर रही है। भारतीय विदेश नीति की लुक ईस्ट की नीति अब किस रूप में बदल गई है। पहले जिसे लुक ईस्ट की नीति के रूप में जाना जाता था, मोदी के कार्यकाल में विदेश नीति में आई सक्रियता के कारण इसे एक्ट ईस्ट की नीति के रूप में जाना जाता है। पहले जिसे लुक ईस्ट की नीति के रूप में जाना जाता था, मोदी के कार्यकाल में जो विदेश नीति के में आई सक्रियता के कारण इसे अब क्या माना जाता है, एक्ट ईस्ट की नीति के रूप में जाना जाता है। अब आपके पास में क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद का क्या अर्थ है। उपनिवेशवाद से आशय है, विश्व की किसी महाशक्ति या किसी शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा किसी राष्ट्र या देश को अपने अधीन कर अपना एक उपनिवेश बनाकर उसका शोषण करना उपनिवेशवाद कहलाता है। वापस पुनः पढ़ रही हूँ, देखिए बच्चों, विश्व की किसी महाशक्ति या किसी शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा किसी राष्ट्र या देश को अपने अधीन कर अपना एक उपनिवेश बनाकर के उसका शोषण करना, कि हम सही हैं, हम कहीं गलत नहीं है, ये भी क्या कहा जाता है महाशक्ति द्वारा या शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा, तो वो क्या कहलाता है, उपनिवेशवाद कहा जाता है।
किसी दुर्बल राष्ट्र को अपने अधीन कर लेना ये क्या कहलाएगा? उपनिवेशवाद कहलाएगा। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने किया है खंड ब में, पॉलिटिकल में खंड ब में जो दो दो नंबर के क्वेश्चन आंसर आएंगे बच्चों आपके पास में, वो क्वेश्चन आंसर 1 से लेकर के 36 तक क्वेश्चन आंसर हैं। आपको यहाँ पर वीडियो में 34 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में है प्रश्न बैंक में 36 नंबर क्वेश्चन, उपनिवेशवाद का क्या अर्थ है, क्योंकि जो रिपीट क्वेश्चन हुए हैं उनको मैंने आपको वीडियो में नहीं करवाया है। तो इस तरीके से आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको समय समय पर मिल सकें। और जल्दी ही मैं अपने इस चैनल पर आपको शॉर्ट हैंड की क्लास भी करवाऊंगी, शॉर्ट हैंड भी सिखाऊंगी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही, जो आपके करियर के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। यानी कि 12th के बाद में अगर आप स्टेनो सीखते हैं तो आपके लिए एक करियर के लिए एक बहुत बड़ा विकल्प खुलता है, वो भी मैं आपको सिखाना शुरू करूँगी। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार।